तत्सम है या तद्भव है, साथ ही साथ और तत्सम से तद्भव में कन्वर्ट कैसे होता है ये भी हम जानेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने जो है हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पिछली वीडियो को भी देख लें, ठीक है। ईमेल आकर के प्लेलिस्ट में जाएं तो वहां पे आपको जो है प्लेलिस्ट में जो मैं अलग अलग जो प्लेलिस्ट क्रिएट किया हूँ तो आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आप रिपीट क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उत्तराखंड से रिलेटेड लेक्चर भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ अभी हमारे मैथ्स के लेक्चर आने वाले हैं और लेक्चर आने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है शुरू से लास्ट तक वीडियो को एक बार जरूर देखें, ठीक है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप देखें, साथ ही साथ जब हिंदी आप करते हैं तो उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाना ना भूलें। तो अब हम जो है तत्सम और तद्भव की बात करने जा रहे हैं। तो तत्सम जो है सबसे पहले हम देखें तत्सम, तत्सम जो बनता है तत्धनसम अर्थात तद धन सम बराबर उसके समान, यानी कि किसके समान, तो संस्कृति के समान। तद धन सम बराबर उसके समान यानी कि किसके समान, तो संस्कृति के समान। यानी कि हमारे जो है हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे आ गए, जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि हिंदी में भी आ चुके हैं। ज्यों के त्यों सेम संस्कृति के जो शब्द हैं हिंदी में भी जो है वो आ चुके हैं, ऐसे शब्द को जो है हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं संस्कृति और हिंदी, ये तत्सम शब्द यानी कि जो संस्कृति के शब्द हैं और हिंदी में भी सेम उनका प्रयोग हो रहा है। तो जैसे हम बात करें तो पुत्र की बात करें तो संस्कृति में भी पुत्र और हिंदी में भी पुत्र। ऐसे ही अगर हम और एग्जांपल लें तो वायु की मैं बात करता हूँ, सूर्य के बात करता हूँ तो सेम है, तो सेम संस्कृति में भी हम उसका प्रयोग करते हैं और हिंदी में भी करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द। ऐसे शब्द जो सीधे संस्कृत से होकर आए हैं साथ ही साथ हिंदी में उनको जो है सेम जो है प्रयोग में लाया जा रहा है उसे बोलते हैं हम तत्सम, ठीक हो गया। तत्सम यानी कि उसके समान, किसके समान, संस्कृत के समान। ऐसे शब्द हिंदी में, ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्द के समान है उसे बोलते हैं तत्सम शब्द। अब हम तत्सम किसे बोलेंगे, तत्सम और तद्भव को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, साथ ही साथ तत्सम से तद्भव में कैसे परिवर्तित करते हैं और तद्भव से तत्सम में कैसे परिवर्तित करते हैं, ये पांच नियमों को हम पढ़ेंगे। बहुत आसानी से हम इन नियमों को पढ़ेंगे, तो हम उन नियमों को जानने से पहले थोड़ा तद्भव की बात मैं कर लेता हूँ। तद्भव होता है तद धन भव, यानी कि उससे होना, यानी कि संस्कृत से परिवर्तित होकर बने शब्दों को हम क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। संस्कृत के से परिवर्तित होकर बने शब्दों को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं तद्भव। तो दोस्तों ये था तद्भव और तत्सम। तो अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये तत्सम है तद्भव है, साथ ही साथ अगर तत्सम का तद्भव में परिवर्तित होगा तो कैसे क्या होगा, यही सब हम नियमों में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम सीधे चलते हैं नियम एक में। यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ कि हम कैसे पहचानेंगे, तो पहचानने के नियम मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, पहचानने के नियम यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। तो नियम एक यानी कि छ का प्रयोग तत्सम में होता है, यानी कि जहां पर आपको छतरी वाला छ मिलना तो आपको सीधे कर देना कि ये तत्सम है। यहाँ पे मैक्सिमम केसों में लगभग ज्यादातर मैक्सिमम 99% हम कह सकते हैं कि छ का प्रयोग जो जहां पर होगा तो वो तत्सम होगा, ठीक हो गया। जहां पर छ शब्द आपको लगेगा तो आप और उसमें आपको तत्सम और तद्भव अगर आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, तो जहां पर छतरी वाला छ आपको मिलेगा तो वो तत्सम होगा, जहां पर छतरी वाला छ आपको मिलेगा तो वो तत्सम होगा। कुछ उदाहरण हम यहाँ पर लेके चले हैं, आइए उनको भी देखते हैं और समझते हैं। जैसे क्षेत्र है ना, तो क्षेत्र में आया है छ, तो ये छ जो है तत्सम है, क्षेत्र जो है तत्सम है। छीर आया ना, ये छीर में छतरी वाला छ आया तो ये भी तत्सम है। शिक्षक में छ आया ना, शिक्षक में तो ये भी तत्सम है। उपेक्षा में आया तो यहाँ भी, ये लक्ष्य में भी आया तो यहाँ भी तत्सम है।
अक्षत में आया तो यहाँ भी ये तत्सम है, और नक्षत्र में आया तो ये भी तत्सम है, साक्षी में आया तो ये भी तत्सम है, और साथ ही साथ अक्षत में आया तो ये भी तत्सम है। ठीक हो गया। अब जो है एक और नियम है इसी में से रिलेटेड कि तत्सम से तद्भव में जब परिवर्तित होता है तो ये छ जो है दोस्तों एक तो ख में परिवर्तित हो जाता है, साथ ही साथ छ में भी परिवर्तित हो जाता है, छतरी वाला छ, एक तो छतरी वाला जो छ है वो छतरी वाला है, और छतरी छतरी बोले या छाता बोले तो जो छतरी वाला छ है वो छाता वाले छ में और ख में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। जब हम इसे ये तो असम है ना, अगर हम इसे तद्भव में परिवर्तित करेंगे तो या तो ख में परिवर्तित हो जाएगा या तो छाता वाले छ में परिवर्तित हो जाएगा, या तो ख में परिवर्तित हो जाएगा या तो छ में परिवर्तित हो जाएगा, छाता वाले छ की बात में कर रहा हूं। ठीक हो गया। आप हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे तत्सम ने यहाँ पे लिखा कि तद्भव लिखा तो क्षेत्र आया ना, तो क्षेत्र में छ आया ना, छतरी वाला छ, तो ये क्या है तत्सम है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब ये खेल हो गए यहाँ जाके ख में परिवर्तित हो गया ना, यहाँ मैंने आपको बताया कि जब हम तद्भव बनाएंगे तो ख और छ में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये छ जो है ना यहाँ ख में परिवर्तित हो गया है, तो ये हो गया हमारा खेल। आगे अगर देखते हैं अक्षत ना, ये छ जो यहाँ छ छतरी वाले छ में कन्वर्ट हो गया है, तो अक्षर हो गया है। जैसे परीक्षा है ना, परीक्षा में जो है ये छ में हो गया है, परीक्षा हो गया है, छ से छतरी वाला छ। चलिए अब हम नियम दो की बात करते हैं। तो नियम दो में जो है ना ये वॉ जो है पौ में कन्वर्ट हो जाता है, वॉ वाला जो होगा तत्सम होगा, और जब हम इसे तद्भव में बदलेंगे तो ये पौ में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि वॉ तत्सम है, अगर इसका हम तद्भव करेंगे तो पौ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। इससे पहले हमने जो है छतरी वाले छ की बात की थी, वो क्या होगा तत्सम होगा, साथ ही साथ जो छतरी वाला छ है वो ख और छाता वाले छ में परिवर्तित हो जाता है जब हम उसका तद्भव बनाते हैं। तो यहाँ पर नियम दो जो है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि व जो है तत्सम है, और अगर हम तद्भव में परिवर्तित करेंगे तो वो व जो है प में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं उसकी बात में करता हूँ। जैसे विद्युत है ना, विद्युत जो है बिजली में परिवर्तित हो जाता है, ये व आया ना, ये व में परिवर्तित हो गया। यहाँ अगला उदाहरण है बांदर है, तो बांदर का यहाँ हो गया, सॉरी यहाँ बांदर है, तो व बांदर में व जो है तत्सम पहचान का नियम है, तो ये व में परिवर्तित हो जाएगा, बांदर हो जाएगा। अगला है वर्षा, तो वर्षा का यहाँ बरसात हो जाएगा, ये व में परिवर्तित हो गया। अगला है विवाह, तो विवाह यहाँ में परिवर्तित हो गया, व में व जो है अगला जो है वर्ग जो है बर में परिवर्तित हो गया, यानी कि यहाँ का वो में परिवर्तित हो गया, वो जहाँ पर आएगा तो वो हो जाएगा क्या तत्सम, अगर हमें उसे तद्भव में परिवर्तित करना है तो वो हो जाएगा, यानी कि वो में परिवर्तित करना पड़ेगा तो वर का बर हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम वधु की बात करें तो वधु में जो वो आया ना तो उससे हम आइडेंटिफाई कर देंगे कि ये तत्सम है। ठीक हो गया। अगर अब हमें वधु मिला तो वधु में वो आया ना तो वो जो है तत्सम होगा, सॉरी तद्भव होगा, व से व में परिवर्तित हो गया है तो वधु क्या हो जाएगा तत्सम, और वधु क्या हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। तो ये था हमारा नियम दो। तो अगले नियम तीन की मैं आपको बात करता हूँ। अगला जो नियम तीन है, जो सलजम वाला स है ना, ये सरिता वाले स में परिवर्तित हो जाता है, सलजम वाला स सरिता वाले स में परिवर्तित हो जाता है जब हम इसका तद्भव बनाते हैं, यानी कि जो सलजम वाला स है वो स क्या है तो तत्सम है, सरिता वाला स क्या है वो तद्भव है। ठीक हो गया। उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपको उदाहरण हमने लिखा ना सवसुर, तो सवसुर में जो ये सलजम वाला स है ना ये सरिता वाले स में बदल चुका है, तो ये ससुर हो गया। दर्शन लिखा ना, सलजम वाला स आया तो ये दर्शन सरिता वाले स में परिवर्तित हो गया। खेत ना, सॉरी सवेत है, तो सवेत जो है ना सफेद में परिवर्तित हो गया है। ठीक हो गया। वह जो है यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। अगला अगर हम बात
राशि जो है ना ये 100 जो है ना 100 में परिवर्तित हो गया है। अगला अगर मैं बात करूं आशीष की, सॉरी ये आशीष होगा, तो आशीष जो है ना ये सरिता में 100 में परिवर्तित हो गया है, तो ये आशीष हो गया, ठीक हो गया, आशीष हो गया। इन चीजों को ध्यान देना है कि ये जब सज्जन वाला 100 सरिता में 100 में परिवर्तित होगा तो सरिता वाला 100 जो है वो तद्भव कहलाएगा, सज्जन वाला 100 तत्सम कहलाता है, ठीक हो गया। तो अब हम अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला नियम जो है नियम 4 है, और ये जो नियम 4 है ये इसमें जो है री और त्रौ की हम बात करेंगे। जहां पर आपको री नजर आए या त्रौ नजर आए तो क्या होगा, तो वो होगा तत्सम, ठीक हो गया। जहां पर री और त्रौ आपको नजर आए एक साथ नहीं, जहां पर री आएगा नजर तो वो भी तत्सम है, जहां पर त्रौ आपको नजर आए जिस शब्द में तो आपको सिद्ध कर देना है कि वो तत्सम है। तो दोस्तों जिस तरीके मैं आपको बता रहा हूँ आपको बस काम सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है और ध्यान से देखना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सर लगाना है, तो आपका तत्सम और तद्भव क्लियर हो जाएगा, चीजें आप कभी नहीं बोलेंगे। तो मैंने आपको बताया कि बी और त्रौ की जहां पर होंगे तो क्या होगा, तो तत्सम होगा। साथ ही साथ अब ये री किसमें कन्वर्ट होगा ये कोई जो है फिक्स नहीं रहता है, कभी अलग अलग होता रहता है, और ऐसी त्रौ की भी बात होती है, ठीक है। तो उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, तो री जो है तत्सम है और त्रौ भी जो है दोस्तों तत्सम है, री भी तत्सम और त्रौ भी तत्सम, दोनों तत्सम होते हैं। जैसे यहाँ पे दृष्टि है ना, री आ रहा है ना, तो ये डी में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो रात में त्रौ है ना, तत्सम है, मैंने आपको बताया यहाँ पे त्रौ भी तत्सम है, तो ये त्रौ यहाँ त्रौ में परिवर्तित हो गया, रात हो गया। श्रृंगार में आया ना तो सिंगार हो गया, घृत में गिरा है ना घी तो ये घी हो गया, श्रृंगार में भी दिया है ना तो सिंगार हो गया, घृत में आया ना तो घी हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे नियम 4 था, नियम 4 का हमें याद रखना है कि द्वी और त्रौ जो होते हैं तत्सम होते हैं, ठीक हो गया। तो इसी प्रकार से हम नियम 5 जो हमारा लास्ट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें हम बहुत ज्यादा चीजें कवर करेंगे। तो नियम 5 को जो है अब हम कवर करते हैं, ठीक हो गया। नियम 5 को थोड़ा ध्यान से हमें देखना है, और इस प्रकार से अगर नियम 5 के बाद हमारा जो है हमारा तत्सम तद्भव तद्भव पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और कहने का मतलब ये है कि संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग सेम हिंदी में भी किया जाता है, हिंदी में भी वो शब्द प्रचलित हैं, तो उनके लिए विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कपूर है ना, तो कपूर हमने लिखा कपूर हो, तो ये हो गया हिंदी में कपूर, सेम एज इट एज लिखा ना तो ये है। जैसे ज्येष्ठ है तो ज्येष्ठ में यहाँ पे विसर्ग का प्रयोग करेंगे और हिंदी में ज्येष्ठ लिखते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा, और कि कैसे हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं संस्कृत में। तो अगला जो हमारा नियम है नियम 6 है। नियम 6 में होता क्या है, इसमें होता यह है कि जो य है ना, य जो है जौ में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जो य है य तत्सम है, और जब हम य को तद्भव में बदलते हैं तो य जो है जौ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे युवा है ना, युवा यहाँ पर हमने लिखा ना युवा, तो ये यहाँ पे जवान में परिवर्तित हो गया, जब हमने युवा लिखा, युवा क्या है तत्सम है, तो इसका तद्भव जवान हो गया। और ऐसे युग है तो युग का जो है ना युग हो गया है, जौ में परिवर्तित हो गया है, युग जो है युग में हो गया, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये य जो है जौ में परिवर्तित हो गया, युग युग युवा जवान। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि य जो है ना तत्सम है, जब इसका परिवर्तित होता है तद्भव में तो जौ में परिवर्तित हो जाता है, युवा का जवान हो गया जैसे, तो इसी प्रकार से युग का युग हो गया, ठीक है। तो साथ ही साथ जो ये षटकोण वाला स्व है ना, ये कभी भी सरिता वाले स्व में कभी भव में परिवर्तित हो जाता है, हालांकि और अलग अलग परिवर्तित होते रहता है, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ ये चीजें हमें याद रखनी है, ठीक हो गया। ये चीजें हमें याद रखनी है कि जो षटकोण वाला स्व है, जहां पर आपको षटकोण वाला स्व नजर आए तो क्या होगा, तो तत्सम होगा, तो क्या होगा, तत्सम होगा। तो यहाँ पर हमने षष्ठ लिखा ना, तो षष्ठ ये छठा हो जाता है तद्भव, षष्ठ तत्सम है तो ये छठा हो गया। शिष्य लिखा ना, षटकोण वाला स्व आया ना,
सरिता वाले स्व में परिवर्तित हो गया, शिष्य हो गया, ठीक है, शिष्य लिखाना, सरिता वाले स्व में परिवर्तित हो गया यहाँ पे षटगुण वाला स्व। तो ये था दोस्तों हमारा नियम छह। अब हम बात करते हैं अपने नियम सात की। नियम सात में होता क्या है दोस्तों, बहुत आसान है, जहां पर चंद्र बिंदु लगा होता है ना तो वो क्या होता है, तद्भव होता है। जहां पर चंद्र बिंदु लगा होता है वो तद्भव होता है, बहुत आसान है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, जहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है वह तद्भव होगा। अब तद्भव और तत्सम में हम बात कर देते हैं, तो जैसे यहाँ पे गेहूं है ना, ये चंद्र बिंदु का गना, तो ये हो जाता है क्या हो गया, तो ये हो गया तद्भव, और इसका तत्सम अगर हम करेंगे तो गोधूम हो जाएगा। ये मुंह है ना, मुंह में चंद्र बिंदु का गना, तो ये हो जाता है मुंह, ठीक है। तो ये चंद्र बिंदु वाला क्या है, तद्भव है, पहचानने का बहुत आसान है, सीधा नियम है। जैसे गांव है ना, गांव में चंद्र बिंदु आए ना तो गांव का क्या हो जाता है, ग्राम। तो मैंने आपको बताया था आधार और जहां पे आता है तो क्या हो जाता है, तत्सम। और याद रखना जहां चंद्र बिंदु आएगा तो आपको सिद्ध कर देना है कि वो क्या है, तद्भव है। अब हमने आपको सब चीज का एक निचोड़ जो है मैंने खाया, मैंने जो जितना हमने जितना भी हमने जो नियम जाना उसका एक निचोड़ मैंने आपको यहाँ पर तथ्य करके लिख दिया है। तो दोस्तों जहां पर छतरी वाला छ कमा तर कमा द्वी तथा आधार तथा य सलजम वाला स षटकोण वाला स आपको नजर आए तो वो क्या होता है, तत्सम होता है। तो ये सब जो है पूरा तत्सम कहलाता है, यानी कि जितना आगे हमने किया उन सब का निचोड़ निकाल के मैं यहाँ पे ले आया हूँ। छतरी वाला छ तर री आधार और य आप प्रैक्टिस।